तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। पिवट टेबल के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम होती है उस पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसका जो सलूशन है आपका साथ, हम उसकी सलूशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो आपके सामने डेटा दिख रहा है, राइट? तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हमने कल भी क्लास में आपके साथ हमने दिक्कत किया था कि जब इसको हम सिलेक्ट करके पिवट टेबल बना देते हैं, बना दिए हमने अपना पिवट टेबल बना भी लिया, लगा भी लिया। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लीजिए कोई नया डेटा नीचे ऐड हो जाता है, जैसे मैं डेटा उदय शर्मा का डाल दिया, अब उदय शर्मा का डेटा आपके पिवट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पिवट लगाया था वो 65 तक का था, आपने 66 एक नया रो ऐड कर दिया। पिवट में आए उसके लिए आपको अपना डेटा इंक्रीज करना होगा, पिवट टेबल एनालाइज में जाना होगा, फिल आइटम सेट कैलकुलेटेड फील्ड, सॉरी माफ कीजिएगा मैं भाग गया था, चेंज डेटा सोर्स में जाना होगा और यहां से मैं अपना डेटा लूंगा और नीचे की तरफ रीसेलेक्ट करूंगा, देन ओके। अगर एंटायर रो सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली लेता रहता है, डेटा पैनल पर एक ब्लैंक कॉलम बना देगा ना सर नया। तो क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए इसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला है कि आप इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, ठीक है? टेबल में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, अब टेबल बन गया। अब इसके नीचे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ इस पे टाइप करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया पूजा, तो क्या होता है कि टेबल अपने आप को बढ़ा लेता है। बढ़ा लिया, दिख रहा है आपको? तो कुछ भी टाइप करेंगे तो टेबल अपने आप को बढ़ा लेगा और आपका पिवट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें पिवट इंसर्ट करते हैं तो ये कोई रेंज पे नहीं लग रहा है, ये टेबल पे लग रहा है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने नेम यहाँ डाला और यहाँ पे मान लीजिए अपनी सेल्स को डाला, तो अगर यहाँ पे डेटा में कोई नाम नीचे एक और लाइन ऐड करता हूं, जैसे मैंने डाल दिया राजू, राजू डाला, टेबल भर गया और यहाँ पे अपने हमने अपनी फिगर डाल दी, ठीक है? और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश कर, अब यहाँ पे देख गलती से 6 आ गया था, तो गलती से 6 भी आ गया यहाँ पे, तो इसमें हमारे 6 को मैंने डिलीट कर दिया। तो डिलीट करते टेबल नहीं हट जाएगा, फिर भी आपको करेंगे तो यहाँ ब्लैंक आ जाएगा। रिफ्रेश कीजिए, ब्लैंक आ गया। तो इसका सोल्यूशन इसमें है कि आप क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और अपना टेबल को मूव कर देंगे, रिफ्रेश करते यहां हट जाएगा। तो टेबल में, टेबल का सोल्यूशन तो है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि डेटा आप टाइप करेंगे तभी ना, कई बार हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कई बार डेटा किसी और से कनेक्टेड होता है। मैं इन शॉर्ट में कहने का मतलब है कि टेबल फॉर्मेट में रखना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, उस केस में क्या करें। तो टेबल फॉर्मेट अगर क्रिटिकल हो गया आप उस केस में आपके पास दूसरा है, और दूसरा है एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ठीक है? तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स के लिए क्या करेंगे आप, मैं पहले जिसको पिवट हटा देता हूं टेबल से, कन्वर्ट इन टू रेंज। कहां पे किया आपने कन्वर्ट इन टू रेंज? इसमें ही होता है, टेबल फॉर्मेट में ही आने से आता है, यहाँ टेबल टूल्स के अंदर, यहाँ टेबल डिजाइन कन्वर्ट टू रेंज। अब मान लीजिए मुझे इसको एक्सटर्नल बे में लगाना है, कैसे लगाए? तो आप एक नए जाइए, नए शीट पे जहां पिवट रखना चाहते हैं वहां पे आइए, इंसर्ट पिवट टेबल, फ्रॉम रेंज की जगह पे यहाँ पे देखिए फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स आपको दिख रहा है, तो फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे क्लिक किया, चूज कनेक्शंस। अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसका लिस्ट आ गया, यहाँ ब्राउज फॉर मोर करेंगे
और अपनी फाइल जिस लोकेशन में आपके रखी हुई है उस लोकेशन में अपनी फाइल को सिलेक्ट करें। ठीक है एंड ओपन। अब उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा शीट, डी वन से करना है डी वन, मतलब हमने जिस फाइल में लगा उसी फाइल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है देन ओके देन ओके। आपका पिवट लग गया। अभी क्या होगा कि आप आपका कुछ भी चेंज होता है पूरे डेटा में तो ये अपने आप को चेंज करता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई नया नाम डालता हूँ, मैं आपके नाम डाल देता हूँ जगता। ठीक है और हम यहाँ से अपनी डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश करना है और आपका नाम आ गया। ठीक है आ गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है सर, इसमें टोटल कॉलम ऐड नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं टोटल का एक कॉलम लगा दिया जिसे सम कर दिया, तो अब मैं अगर अपने पिवट को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा टोटल नहीं आएगा। नीचे देखो नहीं आया। जब एक्सटर्नल डेटा सोर्स करते हैं तो सिर्फ वो रो को ही कंसीडर करता है, कॉलम को कंसीडर नहीं करता है। ये सर उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो उसका सॉल्यूशन होता है एक डिफाइंड नेम और एक फॉर्मूला ऑफसेट का। देखिए ऑफसेट का मैं यहां पे लगाता हूं ऑफसेट का फॉर्मूला ऑफसेट। ऑफसेट में मैंने स्टार्टिंग दे दिया ए वन और मैं बोला कि जीरो से स्टार्ट है, जीरो रो जीरो कॉलम, और रो की जो हाइट है वो हमने यहाँ पे काउंट ए से ले लिया, पूरा का पूरा एरिया ले लिया। ठीक है और विड्थ जो है उस पे भी हमने काउंट ए लगाया और पूरा विड्थ लिया। राइट सर? या फिर आप यहाँ पे काउंट ए ना लगा के यहाँ पे आप कुछ अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैं इस फॉर्मूले एक बार एंटर मारिएगा तो पूरा डेटा यहाँ पे दिख जाए। ठीक है सर? लेकिन मुझे डेटा नहीं चाहिए ना, मुझे इसको क्या करना है डिफाइन नेम के अंदर एक नेम बनाना है, जैसे हमने डीटी नाम का एक नेम बना दिया और उसके अंदर हमने उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया यहाँ। लेकिन इधर डबल ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा इसमें जो इसका ए है पाथ है उसको फ्रीज करना जरूरी है, फ्रीज ना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगली बार हम मुझे कहीं पिवट लगाना है, कहीं भी पिवट लगाना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज पे जाना है और यहाँ उसको उस नेम को जैसे D1 था उस डिफाइन की गई D नेम को हमने लेके ओके कर दिया। एक मिनट हमने D1 ही किया है ना, मैं DT किया है माफ कीजिएगा, हाँ D1 कर दिया। तो यहां हमने DT एंड ओके कर दिया। तो लग गया सर। अब इसमें मैं कॉलम बढ़ाता हूं या रो बढ़ाता हूं सब आ जाए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ जीएसटी निकाय कॉलम ऐड करना है जीएसटी और हमने बोला कि इसका 18%। ठीक है अब एक बार पेपर को रिफ्रेश करेंगे टोटल के नीचे देखिएगा जीएसटी आ जाए। आ गया। अब ये जो मैंने बताया ये सबसे परफेक्ट वे, हमने आपको तीन तरीके बताए। पहला बताया कि हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो उसमें डेटा कॉपी पेस्ट करने में और कई केसेस में दिक्कत होती है। दूसरा मैंने बताया एक्सटर्नल डेटा सोर्स, वो उसमें दो दिक्कत थी। पहली दिक्कत है कि वो कॉलम को कंसीडर नहीं करता, मतलब कॉलम इंक्रीज होता है तो उसको कंसीडर नहीं करेगा पहले। दूसरी प्रॉब्लम थी
उसमें दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अगर आप जो है उसके अंदर आप अपने सिस्टम के अंदर फाइल आए तो चलो इट्स वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही फाइल को आपने किसी को भेजा, किसी थर्ड पर्सन को, फोर्थ पर्सन को आपने भेजा, वहां पे फाइल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे पाथ नहीं होगा ना। मान लिया मैंने ई ड्राइव पे पाथ दिया था, किसी फोल्डर में पाथ दिया था, वो पाथ आपके पास थोड़ी हो, वर्क नहीं करेगा। लेकिन ये जो मैंने ऑफसेट वाला बताया है वो परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा, अब मैंने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका मतलब कि यूज नहीं, मैंने एक्सेलर का यूज नहीं। क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास जो ऑफिस के अंदर में जो फाइलें होती है काफी बड़ी फाइलें होती है, काफी लेंदी और काफी बड़ी फाइल होती है, लेकिन उस बड़ी लेंदी और बड़ी फाइल को जब मैं ओपन करता हूं तो काफी टाइम लेता है, फिर उसके अंदर कुछ करता हूं तो भी टाइम लेता है, क्या सर? तो मैं चाहता हूं पिवट लगाना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो पिवट है वो फाइल में ना लगे, किसी और फाइल में लगे, ताकि मेरा प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो, ठीक है। तो मैं एक दूसरे फाइल में पिवट टेबल लगाऊंगा, एक्सटर्नल पिवट टेबल, यहां से फॉर्म डेटा यहाँ दिख रहा होगा, डेटा सोर्स यहाँ पे आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन जो करना कर लीजिए, चूज कनेक्शन। अगर पहले से जो डेटा आपने ऐड कर रखा है उसको चूज करना चाहो तो उसको चूज कर सकते हैं। ब्राउज फॉर मोर पे आते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी को भी एक्सेल फाइल, एक्सेस फाइल। अब मान लो एमएस एक्सेस में डेटा है तो आप एमएस एक्सेस के डेटा को सिलेक्ट कीजिए एंड ओपन कीजिए, जिस क्यूरी के ऊपर, जिस डेटा के ऊपर लगाना है आप लगा सकते हैं, पिवट आपका लग जाए। लग गया सर? उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि एसक्यूएल सर्वर से लगाना, आपके सिस्टम में अगर एसक्यूएल सर्वर है तो आप लगा सकते हैं, चूज कनेक्शंस, न्यू, यहां न्यू सोर्स दिख रहा है, न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ माय एसक्यूएल सर्वर है, नेक्स्ट कीजिए। अब मैं सर्वर डालिए, पासवर्ड डालिए, नहीं है तो ये होना चाहिए सर आपके पास, तभी होगा। ओरिकल से करना है ओरिकल से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा फाइल है, कुछ ऐसा फाइल है जिसका पाथ मतलब जिसका पता नहीं चल रहा है कि आप कैसे करोगे, जैसे फॉक्स वगैरह की फाइल, कौन सी फाइल होती है ना, तो और सॉफ्टवेयर की फाइल है, कुछ नहीं करना, उसकी पाथ को लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वो अपने आप पिवट अपने आप जिस जिस सोर्स में डालना होगा डाल के आपको लिंक कर देगा, ठीक है। हेलो, तो ये जो चीजें मैंने बताई आपको ये बेसिकली यूज की जाती है हमारे एक्सेल के अंदर जब हम किसी और डेटाबेस से पिवट को लेते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन से नहीं उठा पाएंगे ना। एक आधा एप्लीकेशन है, सपोज ट्रेनिंग कंप्लायंस का एक एप्लीकेशन है, उसमें डेटा रिफ्रेश होता है, लेकिन आपका आप यहाँ पे न्यू सोर्स पे जाइए, यहाँ पे ब्राउज फॉर मोर, यहाँ पे न्यू आ रहा है, राइट। और आपका एप्लीकेशन का क्या है, आपको ओडीबीसी है या डेटा फीड से लेना है, अदर एडवांस में जाके उसके कंपोनेंट आपको यहाँ डालने हो कि क्या है, ये चीज आपको बता देगा कौन, आपका टेक टीम, तो सॉफ्टवेयर वाला तो देखता है, उससे बोलिएगा तो बता देगा कैसे कनेक्ट करना है, हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे इंटरनेट वगैरह से लेना है, उस पर बनाना है, जैसे मान लीजिए मुझे इंटरनेट से एक डेटा उठाना है, उस पर पिवट लगाना, राइट सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है
ये डेटा है, दिख रहा है सर, इसके करना है। तो इसके लिए मुझे, हम पिवट में नहीं जाएंगे, हम डेटा मेनू बार को, यहाँ पे आपको फ्रॉम वेब, ठीक है, अपना पाथ डालिए, तो बाकी का कंटेंट इग्नोर करेगा ना, सिर्फ वो टेबल वाला डेटा लेगा। हाँ बता देता हूँ आपको, तो इसने क्या किया कि उसके अंदर जितने भी टेबल्स थे वो टेबल्स का यहाँ लिस्ट दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेबल है आपका, ये देखिए टेबल जीरो दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे लोड अगर करते हैं तो डेटा पूरा आ जाए, मुझे यहाँ पे लोड टू करना है। लोड टू में आप चूज कर सकते हैं कैसे करना है। तो हमने बोला पिवट टेबल रिपोर्ट, ठीक है, आ गया, कंट्री और रीजन, पॉपुलेशन, कंज्यूमर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये जो है पावर क्वेरी के अंदर में, जब डेटा में दोबारा पढ़ाऊंगा तो इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर डेटा मेनू बार में आते हैं तो गेट डेटा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप फ्रॉम फाइल ले सकते हो, फ्रॉम डेटाबेसेस ले सकते हो, अजूरे से ले सकते हो, ऑनलाइन सर्विसेज है, उसके अलावा फ्रॉम डेटा टेबल रेंज वगैरह है, आप ब्लैंक डायरेक्ट क्यूरी कर सकते हो, डोंट पिवट को आपस में कंबाइन कर सकते हो, बहुत सारे चीज के अंदर, ठीक है। ये हम आपको, जब हम आपको ये पढ़ाएंगे तो चीजें बारे में बताएगा।